उजड़ गया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सबसे ज्यादा ठेकेदार है और हम इंशाल्लाह इस ठेकेदार के खिलाफ FIR कटवाएंगे। क्या आप लोग मुत्तफिक हैं? जहां तक जाना पड़े आप लोग तैयार हैं? और फिर हम CNW के तमाम अमला और उनके जिम्मेदारान के खिलाफ भी इस मनूर के हादसा की FIR कटवाएंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? आज खड़ा करके मेरी बात की तायद करें। और इसके बाद मैं कमेटी की तरफ से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी वादी मनूर ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया है और हम इन शोकवरान के साथ दिली तौर पर इनके साथ खड़े हैं, इनके गम में बराबर के शरीक हैं, इनके हादसे को हम अपना हादसा समझते हैं और 3 दिन का शोक का हमारी तरफ से ऐलान है। जब 3 दिन खत्म हो जाएंगे तो अवामी एक्शन कमेटी पूरी मरकजी क्यादत के साथ यहाँ पर इसी मकान में जहाँ पर ये जनाजा पड़ा है यहाँ पर आकर इंशाल्लाह सिर्फ 3 दिन के बाद हतमी ऐलान करेगी और उस ऐलान पर तमाम पूरे मनूर की आवाम को लब्बैक कहना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करके मेरी बात की तायद करें। क्या आप लोग तैयार हैं? हजरत मोहतरम, हमारा ये रोड और हमारे ये मसाइल क्या आप मुझे ये बताएं एहतजाज के बगैर हल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो क्या बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, पूरे मनूर की यहाँ पर अक्सरियत की आबादी मौजूद है, जब आपको बुलाया जाएगा आप जाने के लिए तैयार हैं? बस मैं यही पैगाम आपको देने के लिए आया हूँ और मैं इंतजामिया और कानून नाफज करने वाले इदारे उनको ये आगाह करना चाहता हूँ कि अगर हमारी इन हमारे मुलजमान ये ठेकेदार है और CNW के अफसरान है, अगर हमारी FIR न कटी उस वक्त तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम।